मैं आज आपको वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बुक कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। किसी को कोई को लगता है कि वो इस वेबसाइट में आके रजिस्टर हो जाए तो वो लोग को वैक्सीन लगने के लिए अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे फिर भी आपको बुकिंग करना पड़ेगा, वो सारे प्रक्रिया मैं आपको बताऊँगा। सबको पता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसा कैसा करना पड़ता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करके OTP लेके रजिस्टर करते हैं। मैं रजिस्टर करने पर आपको सिखाऊँगा। चलिए मैं मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। जब आप मोबाइल नंबर डाल के एंटर करेंगे OTP, आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। आपको यहाँ पे एड नंबर करना पड़ेगा। चलिए एड नंबर करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक फोटो ID प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो जो कोई भी आपके पास हो। यहाँ पे इतना नया एंटर कर दिया है, यहाँ पे राशन कार्ड भी एंटर कर दिया है। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे चूज़ करेंगे उसका नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ID कार्ड में जो भी नाम लिखा हो वो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेल जो भी यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे डेट एंटर नहीं करेंगे, आप सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एड वाले बटन पे एड कर लेंगे। चलिए मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जब आप वहाँ पे एंटीटन एंटर करके यहाँ पे एंटर करेंगे आपको ऐसा आ जाएगा, आप रजिस्टर कॉल के मैसेज पे आपको शो होगा। कई लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर हो गए तो आप जाके वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल बोल के दिखा रहा है, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आप जाके वहाँ पे वैक्सीन लगा पाएंगे। अब मैं दिखाऊँगा यहाँ पे शेड्यूल कैसे करेंगे। शेड्यूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना चाहे तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके भी आप वैक्सीन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का सबसे आसान तरीका है पिन कोड लगा के। चलिए मैं मेरा पिन कोड एंटर करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। जैसे कि आप वैक्सीनेशन एंटर पिन का सर्च किए, ये देखिए यहाँ पे आपका वैक्सीनेशन सेंटर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 45 प्लस के यहाँ पे 50 स्लॉट अवेलेबल है, यहाँ पे 50 स्लॉट अवेलेबल है। तो बुक कैसे करना पड़ेगा, आपको अपनी तारीख सेलेक्ट करना है, जिस तारीख को भी आप जाना चाहते हैं। जैसे कि आज 24 को मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोई भी एक टाइम स्लॉट सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं 10 से ये मायने नहीं रखता है ये। और उसके बाद यहाँ पे आपको वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल बोल के आपको एक स्लिप मिला जाएगा, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप डाउनलोड ना करके भी कोई बात नहीं, इसे आप फ़ोन नंबर देके जो मैसेज में आपको सीक्रेट कोड आया है वो लेके जा सकते हैं, कोई बात नहीं। जब आप ये करेंगे तभी आपको वैक्सीन लग पाएगा। ये देखिए मैंने जब शेड्यूल किया था तो ये पे देखिए कहाँ पर मैं वैक्सीन लगाने वाला हूँ, वो जगह का नाम आ चुका है। अब मैं यहाँ आज आके वैक्सीन लगा सकता हूँ। ऐसे करके आप वैक्सीनेशन सेंटर जाएँ, सिर्फ रजिस्टर करके ना जाएँ। सिर्फ रजिस्टर करके आप जाएंगे तो वो लोग आपको वैक्सीनेशन नहीं लगा पाएंगे, जबकि वहाँ पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन ना हो तो आप नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। ऐसे रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे शेड्यूल करके ही आपको वैक्सीनेशन सेंटर जाना है, उसके बाद ही आपको वैक्सीनेशन लग पाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर अच्छा लगा ऐसा और वीडियो ऐसा इसी बारे में देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें।